हिमाचल प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के साथ हिमाचल प्रदेश से एएनवी न्यूज के ब्यूरो चीफ ने खास बातचीत की है, ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जो 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, सर किस तरह देखते हैं, क्या रणनीति लेकर जो है कांग्रेस मैदान में उतरी है। देखिए, जिस वक्त इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, उसी दिन साफ था कि दोनों जगह पे उपचुनाव होंगे। हमने उसी दिन से कमर जो है कस ली थी। मैंने दोनों क्षेत्रों का दौरा किया और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। आप देख रहे होंगे, आपने धर्मशाला में भी देखा, पछाड़ में भी कांग्रेस पार्टी जो है इकट्ठी है, एकजुट है। और हम जो परिस्थितियां आज बन रही हैं वो कांग्रेस के पक्ष में बन रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता जो है, पार्टी के जितने कार्यकर्ता, वो एकजुट हैं और सभी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि इन 2 उपचुनाव में जो है हमको हर हालत में जीतना है। हालांकि हम ये जानते हैं कि देश में इनकी सरकार है, हिमाचल में इनकी सरकार है, ये धन बल का पूरा प्रयोग करेंगे, सरकारी मशीनरी का पूरा जो है उपयोग करेंगे, लेकिन जनता में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति जो नाराजगी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, जिस तरह से विकास के काम ठप पड़े, कर्मचारियों का उत्पीड़न जो है किया जा रहा है, तो ये सारी बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने वाली है। किस तरह देखते हैं, क्योंकि जिस तरह भाजपा की ओर से सभी मंत्री और सभी स्टार प्रचारक जो हैं दोनों जगह डट गए हैं, लेकिन वहीं हिमाचल प्रदेश के स्टार प्रचारक वीरभद्र सिंह की बात की जाए, जीएस बाली की बात की जाए, सुधीर शर्मा की बात की जाए, सब बीमार चल रहे हैं। देखिए, अब नीति को तो कोई रोक नहीं सकता। अभी वीरभद्र सिंह जी ने लोकसभा में बहुत प्रचार किया, अभी वो पीजीआई में जो है उनका इलाज चल रहा है। जीएस बाली जी भी है नहीं, अभी उनका भी इलाज चल रहा है। और इस बात का हमें दुख है कि सुधीर शर्मा जी की सेहत भी ठीक नहीं है। अब स्वास्थ्य पे तो किसी का भी खराब हो सकता है, लेकिन संगठन सक्रिय है। यहाँ पार्टी विधायक दल के नेता जो हैं वो भी 2-3 दिन से यहाँ थे, मैं खुद आया हूँ और मैं पार्टी के सभी नेताओं से मिल रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ। कल हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की, हमारी जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्रीमती विप्लव ठाकुर, चौधरी चंद्र कुमार जी, ठाकुर सिंह बरमौरी जी, जो बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे सभी पार्टी के जो कांगड़ा जिला के विधायक हैं वो भी उस बैठक में मौजूद थे। और आज मैंने पार्षद जो है हमारे कॉरपोरेशन के, उनसे बैठक की, मेयर साहब भी मौजूद थे। तो मैं संगठन के सभी लोगों से बात कर रहा हूँ और सभी लोगों में मैंने देखा, सभी कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह है। हम माने कि मतलब बिना स्टार प्रचारक के कांग्रेस इस वक्त अपने संगठन के दम पर और विधायक जो इस वक्त मौजूद हैं और पूर्व विधायक जो हैं उनके दम पर जो है मैदान में उतरी है और पूरी सरकार के खिलाफ जो है एक जंग का ऐलान किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अब पार्टी विधायक दल के नेता काम कर रहे हैं, पार्टी का अध्यक्ष खुद बैठा है, तो संगठन सक्रिय है। वो लोग होते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं है तो संगठन तो आगे बढ़ेगा, काम तो करेगा। ये थे हमारे साथ कुलदीप सिंह राठौर, जिन्होंने कहा कि इस वक्त बेशक स्टार प्रचारक मौजूद नहीं है लेकिन संगठन मजबूत है और संगठन जो है पूरी तरह से डट चुका है। और जो भी विपक्ष के नेता के साथ अपने आप कुलदीप सिंह राठौर भी यहाँ पर धर्मशाला में मौजूद है और पछाड़ में भी दोनों तरफ से जो है मैदान में जो है डट चुके हैं। अब देखना तो यही होगा कि जीत किसकी होती है। कैमरामैन सचिन के साथ मृत्युंजय पुरी, एएनवी न्यूज़।